बसमनिम्स अल्लाम वर हम वर्क वेलकम टू माय किचन मैं हूं शेफ़ हाफजा और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बहुत ही डिलिशियस सी सुशी सुशी सबको आजकल बहुत ज्यादा पसंद है ये एक ऐसी डिश है जो कि दुनिया में काफ़ी ज्यादा पॉपुलर है और आज मैं आप लोगों को फाइनली ये बनाना सिखाऊंगी वो भी एज ऑलवेज एक बहुत ही आसान तरीके के साथ जिसको आप बहुत ही आसानी के साथ फॉलो करके इसको बना पाएंगे तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं तो सुशी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सुशी राइस ये नॉर्मल जिस तरह के चावल हम इस्तेमाल करते हैं ये उस तरह से नहीं होते ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं ये शॉर्ट ग्रेन राइस होते हैं यानी कि ना इनका दाना बहुत छोटा होता है छोटे दाने वाले चावल होते हैं और देखने में किसी दाल की तरह दिखते हैं इस तरह से देखिए ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाए हैं और आप बहुत ही आसानी के साथ ऑनलाइन मंगवा सकते हैं तो ये चावल चाहिए हमें सबसे पहले तकरीबन 250 फिफ्टी ग्राम्स यानी कि एक पाव चावल जो है वो हम मेजर करके एक बोल में निकाल लेंगे चावल को अब किस तरह से पकाना है उसका मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी तो आपको ध्यान से देखना है चावलों को हम सबसे पहले वॉश कर लेंगे अच्छे से तो इसमें ऐड कर लेंगे हम पानी पानी को ऐड करके इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा स्टार्च जो है वो पानी में आ जाए अच्छे से चावल साफ हो जाए और फिर इसका पानी फेंक देंगे फिर हम इसको सेकेंड टाइम वॉश कर लेंगे अच्छे से सेम इसी तरह से पानी ऐड करेंगे टैप वाटर नॉर्मल और इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर पानी डिस्कार्ड कर देंगे तीसरी बार हम वापस से इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे कि नॉर्मली भी जिस तरह से हम चावल पकाते हैं तो चावलों को धोते हैं ना जस्ट इस तरह अच्छे से तीन बार चावलों को धो लेना है वॉश कर लेना है और जब चावल को अच्छे से तीन बार धो के इसका पानी फेंक देंगे तो चौथी बार जो हम इसमें पानी ऐड करेंगे इसमें हम चावलों को दस मिनट भिगो के रखेंगे तो टाइमर स्टार्ट कर लेंगे तो दस मिनट हो चुके हैं दस मिनट के बाद हम इसका ये वाला पानी भी डिस्कार्ट कर देंगे इस तरह से अब हमें चाहिए एक नॉन स्टिक बर्तन इसमें हम चावलों को ऐड कर लेंगे सबसे पहले चावलों को हम इस तरह थोड़ा फैला लेंगे अब 250 ग्राम हमने चावल लिए थे तो हम इसमें 250 ग्राम पानी ऐड कर लेंगे यानी कि 250 ग्राम वाटर टैप वाटर जो नॉर्मली होता है इसको हम थोड़ा सा इसमें उबाल आने देंगे इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तब तक जब तक इसमें इस तरह उबाल ना आ जाए और जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो हम इसके ऊपर इस तरह से किचन टॉवल रखेंगे यानी कि किचन का कपड़ा और बिल्कुल अच्छे से पैक कर लेंगे कहीं से भी स्टीम जो है वो लीक ना हो और फिर हम इसको सेवनटीन मिनट्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे यानी कि लोएस्ट फ्लेम जितना भी हो सके उस पर हम इसको पका लेंगे सत्रह मिनट के लिए तो टाइमर स्टार्ट कर लेंगे अब हम एक लिक्विड मिक्सचर बना के तैयार कर लेंगे तो उसके लिए हम एक पैन में ऐड कर लेंगे राइस विनेगर 37 सेवन ग्राम्स शुगर ट्वेंटी वन ग्राम्स एंड सॉल्ट यानी कि नमक फोर ग्राम्स इसको हम लो फ्लेम पे बस इतना पकाएंगे कि राइस विनेगर जो है उसमें चीनी और नमक अच्छे से मिक्स हो जाए डिजॉल्व हो जाए अब जी यहाँ पे तकरीबन सत्रह मिनट हो चुके हैं हम इसका ढक्कन हटा लेंगे और राइस बहुत ही बेहतरीन से पक चुके हैं तो देखिए इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे अब हम क्या करेंगे कि इसको हम एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे बहुत ही बेहतरीन से राइस पक के तैयार हुए हैं अभी आप देखिएगा तो सिंपल हम इस तरह से खुला सा बर्तन रखेंगे और इसमें तमाम रॉइस को ऐड कर लेंगे यहाँ पे हम सिलिकॉन का रबर स्पैचुला या फिर वुडन स्पैचुला जो है वो यूज़ करेंगे यानी कि हम इसके अलावा कोई और चम्मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे तो इस तरह से मैंने चावलों को एक खुले बर्तन में निकाल लिया है अब जो हमने विनेगर का मिक्सचर बनाया था नमक और चीनी के साथ वो हम इसमें ऐड कर लेंगे ऊपर हर तरफ फैला के अच्छे से और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये जो स्पून मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ इससे चावल नहीं टूटेंगे आपको बहुत हल्के हाथों से ध्यान से तमाम जो हमने मिक्सचर इसमें ऐड किया है ना उसको चावलों में मिक्स कर लेना है ताकि हर दाना जो है चावल का वो प्रॉपरली सीज़न हो अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे साथ ही साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोल में निकाल के एक दफ़ा इसको दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जस्ट टू मेक श्योर कि तमाम जो विनेगर का मिक्सचर है वो राइस में प्रॉपरली मिक्स हो और यही जो है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है सुशी बनाने का राइस जो है देख लें बहुत ही प्रॉपर परफेक्ट राइस एकदम बनके तैयार हो चुके हैं ये देखिए ये स्टिकी विनेगर राइस जो हैं ये सुशी में इस्तेमाल होते हैं अब सुशी के लिए हम बना लेंगे प्रॉन टेम्पोरा तो उसके लिए हम एक बोल रखेंगे इसमें ऐड कर लेंगे मैदा वन कप कस्टर्ड पाउडर हाफ टी स्पून कॉर्नफ्लर वन टेबल स्पून वन फोर टी स्पून बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून सॉल्ट हाफ टी स्पून शुगर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम इस ड्राई मिक्सचर का तीन हिस्सा यानी कि तीन पार्ट्स जो है वो एक बोल में निकाल लेंगे और एक पार्ट जो है वो इसी बोल में छोड़ देंगे अब हम इसमें ऐड कर लेंगे एक कप बिल्कुल ठंडा यख पानी और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है इसका बैटर अच्छे से तैयार है इसको एक तरफ रखेंगे हम और साथ में जो ड्राई वाला मिक्सचर था वो भी एक तरफ रख देंगे अब यहाँ पे सिंपल मेरे पास है प्रॉन्स तो यहाँ पे इसकी टेल्स जो है वो लगी हुई हैं और प्रॉन को अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने प्रॉन जो है वो अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो आपको निकाल लेना है अच्छे से क्लीन करके वॉश करके प्रॉन को पहले हम मैदे के मिक्सचर में डिप कर लेंगे सूखे वाले और ड्राई मिक्सचर में अच्छे से डिप कर लेने के बाद हम इसको लिक्विड बैटर में डिप कर लेंगे और फिर गर्मा गर्म ऑयल गर्म में हम इस तरह से इसको कर लेंगे फ्राई अच्छे से ना हमें इसको फ्राई कर लेना है तो हम इसको तकरीबन तीन से चार मिनट के लिए फ्राई करेंगे तब तक जब तक इसमें अच्छा प्रॉपर ब्राउन कलर ना आ जाए तो बहुत ही बेस्ट और डिलीशियस प्रॉन टेम्पूरा जो है वो तैयार हो चुका है देखिए और ये बहुत ही बेहतरीन होता है आप ज़रूर से इस तरह से प्रॉन्ट टेम्पोरा बना के ट्राई कीजिएगा अब यहाँ पे है मेरे पास क्यूकम्बर यानी कि खीरा और खीरे को हम जूलियन में कट कर लेंगे इस तरह से आप सुशी बनाने के लिए यहाँ पे कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो और अपने सुशी रोल को अपने मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं अब यहाँ पे क्यूकम्बर कट कर लिया है मैंने तो उसको हम एक तरफ रख देंगे अब यहाँ पे है मेरे पास गाजर गाजर को हम पहले इस तरह डाइगनल कट कर लेंगे स्लाइस और फिर इस तरह जूलियन अब यहां पे है मेरे पास एवोकाडो एवोकाडो को हम सिंपल इस तरह से कट कर लेंगे अच्छे से हमें एकदम पका हुआ एवोकाडो लेना है जो एवोकाडो ग्रीन होता है वो कच्चा होता है जो इस तरह से डार्क ग्रीन होता है ऊपर से वो पका हुआ होता है अच्छे से हाफ में इस तरह से एवोकाडो को कट करके हम इसका जो छिलका है वो उतार लेंगे देखिए कितने आराम से पील हो रहा है एकदम गला हुआ अच्छा एवोकाडो है और इसको हम सिंपल इस तरह से स्लाइस में कट कर लेंगे इसका फ्लेवर जो है वो नटी सा फ्लेवर होता है और अच्छा लगता है सुशी में ही ऐड होता है कैलिफोर्निया रोल में तो इस तरह से हम इसको स्लाइस में करके एक तरफ रख देंगे तो ये देखिए हमारी तमाम वेजीज जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं अब हम एक डायनामाइट सॉस बना के तैयार कर लेंगे तो डायनामाइट रोल के लिए तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ एक बोल में ऐड कर लेंगे मेरूनीस हाफ कप साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे टोमेटो कैचअप वन टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट वन टी स्पून स्वीट चिली सॉस वन टेबल स्पून सराचा हॉट सॉस वन टेबल स्पून वाइट विनेगर हाफ टी स्पून हनी वन टी स्पून पेपर का पाउडर हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारे बहुत ही डिलिशियस से डायनाइट सॉस रेडी हो जाएगा इसको एक तरफ रख देंगे अब सुशी बनाने के लिए इस तरह से सीवीड इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं नोरी शीट्स तो ये बहुत ही आसानी के साथ आपको ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं आपको मिल जाएगी और ज़्यादातर आपको सुशी का सामान ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा लेकिन आसानी के साथ मिल जाएगा क्योंकि आजकल तमाम जो इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन तो ये टोस्टेड सी वीडे यानी कि इसको चूल्हे पर हल्का सा सेक के थोड़ा बिल्कुल लाइटली टोस्ट कर लीजिएगा और फिर हम इसको इस तरह से हाफ में फ़ोल्ड कर लेंगे और फिर इसको सिंपल इस तरह से कट कर लेंगे नाइफ की मदद से तो ये हमारे पास नोरी शीट्स जो है वो आ गई हैं इसकी एक साइड शाइनी होती है और दूसरी साइड रफ होती है अब बैम्बू मैट चाहिए हमें इस तरह से और बैम्बू मैट पे अच्छे से प्लास्टिक फॉइल लगा के उसको कवर कर लीजिएगा ताकि बैम्बू मैट जो है वो ख़राब ना हो अब सबसे पहले हम बना लेंगे कैलिफोर्निया रोल जो कि सबका फेवरेट होता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी पसंद किया जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले नोरी शीट रखेंगे अब जो हमने राइस बनाए थे वो स्टिकी राइस थे तो उसको टच करने से पहले लाजमी हम अपना हाथ पानी में डिप कर लेंगे एक्स्ट्रा वाटर को हटा लेंगे और गीले हाथों के साथ हम चावलों को हैंडल करेंगे वरना आपके हाथों पर सारे चावल चिपक जाएंगे इस तरह से हम बेसबा बॉल जितने राइस जो हैं वो अपने हाथों में लेंगे और इस तरह इसको अच्छे से फैला लेंगे नोई शीट के ऊपर और अच्छे से देखें ये स्टिकी ही से लेकिन क्योंकि हाथों पे पानी लगा होगा इसके लिए आपका जो चावल है वो हाथों पे नहीं चिपकेगा तो पानी ज़रूर से लगाना है चावलों को इस तरह अच्छे से इसके ऊपर सेट करके हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे टोस्टेड सैसे सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल उनको अच्छे से टोस्ट कर लीजिएगा और फिर हम इसको इस तरह से फ्लिप कर लेंगे अब हम इसके एक तरफ रखेंगे क्रैब मीट या फिर क्रैब स्टिक्स ये भी आपको ऑनलाइन बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएंगी अगर आपको ना मिले तो आप जो फ्रेश क्रैब्स होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से आपको एक तरफ क्रैब स्टिक्स रखनी है फिर हम इसके ऊपर इस तरह से जूलियन क्यूकम्बर रखेंगे और स्लाइसड एवोकाडो रखेंगे उसके बाद हम इसको इस तरह से रोल कर लेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है किस तरह से रोल किया जाता है लेकिन आपको बस इस तरह से रोल करना है फर्स्ट रोल में आपको हाफ लेके आना है और फिर इस तरह से सेकंड रोल और फिर तो 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 हम इसको इस तरह से टाइटली रोल कर लेंगे ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ सेम इसी तरह से आप इसको रोल कर लें इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ अच्छे से टाइटली आपको इसको रोल कर लेना है और अगर थोड़ा गलत हो जाए तो भी आप हाथों से उसको ठीक कर लीजिएगा और पैनिक मत कीजिएगा अब ये देखिए बहुत ही परफेक्ट रोल जो है हमारे पास बन के तैयार हो गया है अब हम इसको एक तेज़ नाइफ़ की मदद से कट कर लेंगे तो पहले हम हाफ़ कर लेंगे इसको और फिर इसको हम तीन हिस्सों में कट कर लेंगे तो नाइफ़ आपकी इस जगह पे बहुत ही अच्छी और शार्प नाइफ़ होनी चाहिए और हर कट करने के बाद ना आप नाइफ़ को क्लीन कर लीजिएगा तो इस तरह बहुत ही बेहतरीन से हमारे सुशी जो है वो बनके तैयार हो जाएगी ये देखिए कैलिफोर्निया रोल जो है वो बनके तैयार है हम डायनामाइट रोल बना लेंगे उसके लिए भी हम सिंपल नोई शीट रखेंगे उसके ऊपर स्टिकी राइस लगाएंगे विनेगर राइस राइस को आपको टच करने से पहले हाथों को लाजमी वेट कर लेना है वरना आपके हाथों पे तमाम राइस चिपक जाएंगे और शीट्स पे नहीं चिपकेंगे और इसके ऊपर हम रोस्टेड सेसमी सीड्स जो है वो स्प्रिंकल कर लेंगे इसके ऊपर हम प्रॉन्स रखेंगे और फिर हम इसके ऊपर क्यों कंबर इसको अच्छे से रोल कर लेंगे फिर हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे ये देखिए इस तरह से अब हम इस तरह से कोई भी कस्टमाइज़ अपनी मर्जी से रोल बना सकते हैं इसकी जो एफ्ट साइड होगी उसको हम ऊपर रखेंगे और शाइनी साइड नीचे इसके ऊपर हम राइस ऐड कर लेंगे और इसके नीचे हम तकरीबन हाफ़ इंच इसकी जगह छोड़ देंगे इसके ऊपर हम प्रॉन्स ऐड कर लेंगे जूलियन कैरेट ऐड कर लेंगे साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्रैब स्टिक्स इस्तेमाल कर रही हूँ और अपनी मर्जी से यानी कि जिस तरह से भी आपको लगे कि ये टेस्टी और डिलिशियस लगेगा आपको आप उस तरह से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पे मैं डायनामाइट सॉस ऐड कर रही हूँ सिंपल और फिर हम इसको भी रोल कर लेंगे इस तरह से देखिए तो यानी कि हमने जो जिस तरह से राइस बना के तैयार कर लिए है ना तो उसके बाद आपके पास नूरी शीट्स अवेलेबल हैं और आप अप, अंदर की फिलिंग के लिए अपनी मर्जी से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जिस तरह से भी आपको पसंद हो उस तरह से सुशी बना के तैयार कर लें अगर आपको रॉ फिश पसंद है तो आप यहाँ अंदर रॉ फिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सैलमन वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरह से देखिए उसके बाद रोल को कट कर लेंगे अब डायनामाइट रोल थे ना जिसमें प्रॉन्स थे तो उसके ऊपर सिंपल हम इस तरह से सॉस ऐड कर लेंगे सर्व करने के लिए हम सोया वसाबी डिपिंग बना के तैयार कर लेंगे तो उसके लिए हम वसाबी पेस्ट बिल्कुल थोड़ा सा दाल के बराबर तकरीबन लेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे सोया सॉस और उसको मिक्स कर लेंगे सुशी को हम इसमें लाइटली डिप कर लेंगे और इसको इंजॉय करेंगे तो जी तैयार है एकदम डिलिशियस सी सुशी जो कि आप बहुत ही आसानी के साथ अपने घर में बना के तैयार कर सकते हैं ये रेसिपी बनाने में एक सुशी मास्टर शेफ़ मोमिना मुनीर जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं उनकी वजह से मैं बहुत ही आसानी के साथ ये रेसिपी जो है वो आप लोगों के लिए बना पाई हूँ वरना मुझे इससे पहले सुशी बनाना नहीं आता था उनकी हेल्प से मैंने ये सुशी बना के तैयार किया और आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्यूटोरियल बनाया है कि आप भी बहुत ही आसानी के साथ इसको बना पाएँ अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इनशाला हाफिज़